दीजिए। आप क्यों अभी से डर रहे कि आपके विरोध में ये फैसला जाएगा? ऐसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हियरिंग होती है अध्यक्ष महोदय के पास वो सब रिकॉर्ड होती है, उसका टाइपिंग होता है, उस पर सिग्नेचर लिया जाता है और जो मुद्दे आते हैं उसको जो लीगल प्रोविजंस है उसके हिसाब से ही उस पर निर्णय दिया जाता है। क्योंकि ये निर्णय सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं होता, उसको चैलेंज भी किया जा सकता है अगर वो गलत हो तो। इसीलिए कभी भी निर्णय गलत नहीं होगा, सही ढंग से इसका निर्णय होगा और हर कोई चाहता है कि उसके पक्ष में हो जाए। लेकिन जो देते हैं तो वो जिस भूमिका में रहते हैं वो भूमिका बहुत ही अहमियत रखती है और इसीलिए सब चीज़ें जो उनके सामने आ गई उसको मद्देनज़र रखते हुए उस पर निर्णय होगा और जो भी निर्णय आएगा उसके बाद हम उस पर टिप्पणी करेंगे। आज टिप्पणी करना प्री मैच्योर होगा। केसरकर साहब, उद्धव ठाकरे और संजय राउत कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग है, जिस तरह से स्पीकर मुख्यमंत्री के घर जाकर मिल रहे हैं, वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के काम लेकर मिल गए, कहना झूठ है। और इस तरह से एक तरह से उन्होंने कहा कि जज आरोपी से मिल रहा है, आप लोगों को आरोपी कहा है। देखिए, इनकी भाषा आजकल गलत होने लगी है। बहुत देर तक ये संजय राउत जी के साथ रह रहे हैं इसलिए इनकी भी भाषा अभी गलत होना चालू हो गई है। ना तो कोई आरोपी है, अगर आपके बारे में कोई, आप जब सीएम थे तो आपके बारे में कोई गलत चीज़ बोलता है तो आपने उसको अरेस्ट करवा दिया। वो खाना खा रहे थे, खाने पे उनको उठा के वो आपको उन्होंने अरेस्ट कर दिया। हम लोग ऐसा नहीं करते। आफ्टर ऑल ये पोजीशन है सीएम से, आपका पोजीशन है। दूसरी चीज़ यह है कि सीएम ये लीडर ऑफ द हाउस होता है तो उसको सब प्रियोगेटिव है। और दूसरी चीज़ यह है कि हमेशा की हमारी जो कार्रवाई है वो तो चालू ही है, हमारा अधिवेशन होने वाला है, तो इसके सिवाय कोई सब्जेक्ट नहीं है क्या? जब हमारा अधिवेशन चल रहा था तो बहुत सारे लीडर ऑफ अपोजिशन अध्यक्ष साहब को मिल रहे थे, उस वक्त भी हमारी हियरिंग चल रही थी, तो कभी हमने इल्ज़ाम लगाया क्या कि आप मिल रहे तो हमारे केस के बारे में बात कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी ना रहता है। अगर किसी को किसी से बात करनी है तो टेलीफोन पे कर सकता है, जिसके मन में खोट नहीं होती है वही खुलेआम जाके मिलेगा। वो कह रहे कि बीजेपी की स्क्रिप्ट पहले से तय हो चुकी है। वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं और ऐसे ही सोच के व्यवहार करते हैं, इसीलिए लोग उनके यहाँ से निकल गए। जिनको लगता है कि वो हार जाएंगे तो वही ऐसे स्टेटमेंट करते हैं, तो हम उनको दोष नहीं देते। उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, लेकिन हमारी जो भी प्रतिक्रिया होगी वो रिज़ल्ट के बाद ही होगी और हम भी आज नहीं जानते कि क्या रिज़ल्ट होने वाला है। अगर मैच फिक्सिंग होता तो हम रिज़ल्ट का इंतज़ार क्यों करते? केसरकर साहब, राम मंदिर की बात हो रही है और केशव प्रमिक प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक बार फिर स्टेटमेंट दिया है, पांच लोगों को उन्होंने असामाजिक तत्व बताया, असामाजिक तत्व थे ये लोग, इसलिए गोली चलानी पड़ी उनको, संविधान को बचा दी। देखिए, कौन क्या बात करता है इस पर मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन ये जो आंदोलन चला, ये आंदोलन हिंसक आंदोलन बिल्कुल नहीं था। उनकी मांग थी कि ये मस्जिद हटा के वहाँ पे मंदिर बन जाए, क्योंकि उसमें प्रूफ्स थे कि यहाँ पे मंदिर था। ये पुराने ज़माने से जो मस्जिद बनी हुई थी तो उसमें कोई उसका यूज़ नहीं हो रहा था, ये भी हकीकत है। और इसके बारे में बहुत सारी केसेस चली, बाद में इसका रिजल्ट आ गया, तो इसके बाद ये सब बोलने का क्या मतलब है? वो तो वोट की पॉलिटिक्स करते हैं, हम तो राम जी के भक्त हैं, हम क्यों उसमें पॉलिटिक्स करेंगे? सर, विषय का एक सवाल ये कि अगर उमाटागढ़ के 14 आमदार अयोग्य होते हैं तो आदित्य ठाकरे कौन से पक्ष से?